तो हे गाइस वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर हम पोकेमोन जेनेसिस के कुछ आने वाले एपिसोड के सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली वो अपडेट्स ये होने वाले हैं कि हम जानेंगे कि आखिर पोकेमोन जेनेसिस का एपिसोड 52 से लेकर 55 एपिसोड्स में क्या होने वाला है। कुछ न्यू पोस्टर्स एंड कुछ वैलेंटाइन की पोस्टर्स आए हैं एंड ग्रीन निंजा से रिलेटेड कुछ मर्चेंडाइज आए हैं। और हम जानेंगे कि पोकेमोन की एक न्यू गेम लॉन्च होने वाली है, क्या वो इंडिया में एंड्रॉयड फोन्स के लिए लॉन्च होगी या नहीं होगी। सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले, तो वीडियो का अंत तक देखना एंड बेसिकली देखना तो देखना, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। और वीडियो के अंदर आपको एक पॉपी क्विज देखने को मिलेगी, जो सबसे पहले 10 आंसर देंगे उन्हें अगली वीडियो में रिवील किया जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब फॉर मोटिवेशन एंड आपका साथ और हमारा चैनल चलता रहेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम इस वीडियो के सबसे पहले अपडेट पोकेमोन जेनेसिस के एपिसोड 52 के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसका हमें एक प्रीव्यू देखने को मिला था एंड इस रिव्यू के अंदर हमें पता चलता है कि ये जो एपिसोड है ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड एपिसोड होने वाला है, यानी कि जिसके अंदर हमें डिक्लेट पोकेमोन्स देखने को मिलने वाले हैं एंड ऐश एंड उसके दोस्त एक दिन एग्रीकल्चर सीखने के लिए एक एग्रीकल्चर फार्म जाने वाले हैं और वहां पर इन्हें एक काम दिया जाने वाला है, वो है कैरेट से डिक्लेट को बचाना। यानी कि कैरेट को, ये जो डिक्लेट है वो कैरेट को खा जाते हैं, ऐश और उसके दोस्त बस डिक्लेट से कैरेट को बचाते हैं एंड ऐश की मदद पिकाचू करता है उस डिक्लेट को ढूंढने में एंड ये जो है डिक्लेट को ढूंढते हैं। बस इतना ही सब इस एपिसोड के अंदर होने वाला है एंड बेसिकली एक एग्रीकल्चर टाइप एपिसोड होने वाला। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि बेसिकली एपिसोड 52, 53 एंड 54 एंड 55 पे होने वाला है। इन एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला एक मेजर पोकेमोन स्वीकिन एंड ये स्वीकिन एक लेजेंडरी पोकेमोन होने वाला है। एंड सब बात करते हैं अपडेट के बारे में, तो बेसिकली हमें इससे रिलेटेड एक प्रीव्यू देखने को मिला था, जिस प्रीव्यू में सबसे पहले हमारा म्याउथ है वो एक मैजिक स्टिक से अपने आप के जो कपड़े उसे चेंज कर लेता है, उसके बाद में हमें ग्रू की देखने को मिलता है। एंड बेसिकली यहाँ से एक बात आती है कि आने वाले एपिसोड में हमें ग्रू की देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रू की एनिमे में अपीयर होने वाला है। एंड अब बात आएगी कि आखिर इस ग्रू की को पकड़ने कौन वाला है, यानी कि या तो इसे ऐश कैच कर सकता है या गो कैच कर सकता है। एंड मेरे ख्याल से ग्रू की को ऐश ही कैच करने वाला है, क्योंकि जब वो पिकाचू से अटैक करवाता है तो बाद में उसे गो पकड़ लेता है, तो बेसिकली अनदर पोकेमोन भी हो सकता है। उसके बाद में हमें गलार के काफ़ी सारे पोकेमोन दिखाए जाते हैं एंड मेजर अपडेट यहाँ पर लास्ट में निकल के आता है कि यहाँ पर स्वीकिन देखने को मिलेगा एंड उसके बाद में हमें देखने को मिलने वाला है डुकारियों का स्पेशल, डुकारियों का जो स्पेशल अटैक है एंड सिंड्रेस का, यानी कि इनकी फाइट होने वाली है कहीं पर। तो ये सब हमें एपिसोड 55 या 54 या 53 में देखने को मिलने वाला है, यानी कि इन्हीं बीच के एपिसोड में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पर निंटेंडो एक गेम लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है पोकेमोन स्नैप, यानी कि एक गेम होने वाली है पोकेमोन की गलार रीजन की एंड ये काफ़ी बढ़िया गेम होने वाली है। क्योंकि जब मैंने इसके बाहर की, जब इसका आउटर सर्फेस एंड इसकी जो अंदर की देखा कि ये गेम आखिर कैसे होने वाली है, तो सच में एक बेहतरीन गेम होने वाली है एंड हो सका है कि ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि ये बड़े कमाल की गेम होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसके गेम की आउटर सर्फेस को देखते हैं, तो ये रहे हमें आउटर सर्फेस में सबसे पहले इतने सारे पोकेमोन दिखाए जाते हैं एंड इंटर सर्फेस में हमें भी दो चैप्टर देखने को मिलते हैं इस गेम की, कि आखिर ये गेम कैसे होने वाली है। तो तुम लोग देख लो, ये गेम बड़े कमाल की होने वाली है एंड बेसिकली सच में बड़े कमाल की गेम होने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि इंडिया में भी लॉन्च हुई गेम, तो आपसे भी क्या सोचते हो कि पोकेमोन स्नैप क्या इंडिया में लॉन्च होनी चाहिए? बट बेसिकली पीसी के लिए भी लॉन्च हो सकती है एंड मोबाइल एंड्रॉइड के लिए भी लॉन्च हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल एपिसोड के बारे में, तो बेसिकली स्पेशल एपिसोड में क्या होने वाला है, एटलीस्ट तुम्हें ये पोस्टर देखने को मिल चुका होगा एंड इस पोस्टर को ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, बट मेरी वीडियो थोड़ी डिले हो जाती है। इस एपिसोड के अंदर आखिर होने क्या वाला है, एटलीस्ट जो स्वीकिन पोकेमोन है सबसे पहले गो को दिखने वाला है, यानी कि गो एंड ऐश दोनों अलग अलग हो जाएंगे एंड तभी गो को हमारा स्वीकिन देखने को मिलेगा एंड ऐश इधर उधर जाएगा एंड उसकी एक बैटल भी होगी किसी के साथ एंड इतना तो मैं बता नहीं सकता किसके साथ होगी, बट ऐश की एक बैटल होगी एंड गो को स्वीकिन देखने को मिलेगा। एंड इस एपिसोड में हमें दो पोकेमोन और देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट एक गो का पोकेमोन होने वाला है एंड एक और किसी का एंटीलॉन होने वाला है एंड ये हमें देखने को मिलेंगे। एंड बेसिकली इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ खास देखने को मिलेगा आगे स्वीकिन के साथ, क्या गो कैच कर सकता है स्वीकिन को एंड ये तो नहीं होने वाला, बट बेसिकली इसके अंदर हमें स्वीकिन का इंटरनेशन देखने को मिलेगा एंड कुछ स्पेशल होगा एंड एक वाटर टाइप पोकेमोन एंड लेजेंडरी पोकेमोन हमें फिर से देखने को मिलेगा एक न्यू आर्क के साथ। तो गाइज मैं आपको अब एक पोस्टर शो करने जा रहा हूँ जिसका सीधा सा कनेक्शन बनता है पोकेमोन स्वीकिन के साथ, एटलीस्ट मुझे भी पता नहीं कि क्यों बनता है, बट मैं आप सभी को कह रहा हूँ ये जो पोस्टर है रिलेटेड होने वाला है पोकेमोन जेनेसिस के कुछ स्पेशल एपिसोड के साथ एंड लिटरली इस एपिसोड में कुछ हमें स्पेशल देखने को मिलने वाला है एंड तभी हमें वैलेंटाइन का ये पोस्टर देखने को मिला है एंड हो सकता है कि इसके अंदर हमें स्वीकिन पोकेमोन से रिलेटेड कुछ स्पेशल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि तब मैंने इस एपिसोड को ध्यान से देखा एंड इस पोस्टर को ध्यान से देखा तब मुझे कुछ पता चला कि इसका सीधा सा कनेक्शन एपिसोड के स्पेशल एपिसोड से होने वाला है। एटलीस्ट मुझे भी पता
नहीं इस पोस्टर का क्या मतलब होने वाला है, बट मैं इतना रियलिटी करता हूँ कि इसका जो कनेक्शन है वो सीधा ही एपिसोड के स्पेशल एपिसोड से होने वाला है। तो गाइस अब हम बात करते हैं ग्रीन निंजा के बारे में। तुम्हें पता है कि लिटरली ग्रीन निंजा एकदम गायब हो चुका है पोकेमॉन की तरफ से, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ग्रीन निंजा की रिटर्निंग एट द टाइम बढ़ती जा रही है, यानी कि दिन ब दिन हमें ऐसा लगता है कि ग्रीन निंजा रिटर्न होने वाला है। वो क्यों? कि तुम्हें इस वीडियो का अगर तुमने लास्ट तक देखी एंड तुमने पोकेक्विज का आंसर दे दिया एंड तुम्हें सच में कमाल के बंदे बन चुके हैं एंड तुम्हें अब ग्रीन निंजा के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमें मर्चेंडाइज ये देखने को मिला एंड तुम लोगों के सामने शो कर दिया मैंने। इसमें जो सारे पोकेमॉन्स हैं जो हमें इस बार के एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं उसमें हमें ग्रीन निंजा देखने को मिल रहा है। एंड कल ही निंटेंडो ने एक ऐसी गेम जो लॉन्च करने से पहले उसकी 25th एनिवर्सरी को बनाने में उसने एक इमेज को दिखाई देखने को मिली मुझे, जिसमें हमें ग्रीन निंजा के साथ सेंट्रस देखने को मिल रहा है। एंड इसका क्या कनेक्शन हो सकता है तुम लोग खुद सोचो। एंड ग्रीन निंजा का जो करेक्टर डिजाइन है इस बार थोड़ा सा अलग होने वाला है। इससे एक बात चलता है कि जो ग्रीन निंजा का जो एनिमेशन एंड उसके जो फिर से जो करेक्टर डिजाइन है वो एक अलग ही टाइप का होने वाला है। एंड तुम लोग खुद ही देख लो, इसमें हमें अलग ही टाइप का ग्रीन निंजा देखने को मिल रहा है एंड पहले से बेहतर देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई एंड तुम लोग लास्ट तक देखी हो, सच में तुम भाई सच में मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हो एंड तुम्हें मैं कभी भी सपोर्ट करूँ एंड तुम कभी भी मुझसे प्रमोटिंग ले सकते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो करते हैं समाप्त एंड ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।